नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। दिल्ली के चुनावी दंगल में दिखा यूपी का दमन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो रैलियों को संबोधित किया। दिल्ली के किराड़ी और पड़पड़गंज में जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ। शाहीन बाग पर सीएम योगी ने केजरीवाल को जमकर घेरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को बताया गैर जिम्मेदार। शाहीन बाग की वजह से दिल्ली में जाम लगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा शाहीन बाग का धरना क्या देश हित में है, ये सवाल भी पूछा। धारा 370 हटने से केजरीवाल और राहुल गांधी को परेशानी हुई थी। अयोध्या में जल्द बनेगा भव्य राम मंदिर। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से राम मंदिर का जिक्र किया। मोदी सरकार ने बिना भेदभाव के लगातार विकास कार्य किए। दिल्ली में मोहल्ला मोहल्ला मधुशाला खोली गई है। दिल्ली में अब बनेगी बीजेपी की सरकार। केजरीवाल ने नहीं किया दिल्ली का कोई भी विकास। केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को गंदा पानी पिलाया है। केजरीवाल ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया। पीएम मोदी ने धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मुझे फिर आज इस सभा में आने में 1.5 घंटे से अधिक समय लगा है। भाइयों बहनों, पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह जाम है। मैं जैसे ही यहां आना चाहता था, शाहीन बाग का जाम अलग, निजामुद्दीन का धरना अलग, और पूरी दिल्ली की व्यवस्था को जाम करने में जिन लोगों ने वहां पर जाम करके पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, वे लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, आपसे आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए। विकास और जाम के इन सभी नमूनों को दिल्ली की जनता स्वयं सबक सिखा देगी, इस बारे में हमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। मैं जब आ रहा था तो भाइयों बहनों, मैं एक स्लोगन आम आदमी पार्टी का देख रहा था और उसमें लिखा था कि अच्छे बीते 5 साल। भाइयों बहनों, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं पिछले 4 दिनों से दिल्ली के अंदर अलग अलग कोनों में सभाओं में गया हूं और मैं ये नहीं समझ पाया कि इनके 5 साल अच्छे कैसे बीते हैं। यहां पर सड़कें नहीं, लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं, जगह जगह अव्यवस्था है, झूलते हुए तार। दोनों सरकारों में समन्वय का परिणाम था कि नमामि गंगे परियोजना के परिणाम एक एक करके हम लाते गए। और आज जब प्रयागराज में विगत वर्ष कुंभ का आयोजन हुआ था तो भाइयों बहनों, प्रयागराज कुंभ में 25 करोड़ श्रद्धालु स्नान करते हैं। वर्तमान में प्रयागराज नाग मेला चल रहा है और मैं स्वयं बसंत पंचमी के दिन प्रयागराज गया था, गंगा जी में स्नान भी किया और गंगा जल का आचमन भी किया। हमने गंगा को निर्मल बनाया है। लेकिन केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने 5 वर्ष के दौरान यमुना जी के लिए क्या किया? आपने 5 वर्ष पहले कहा था कि हर घर दिल्ली में आरओ का पानी पहुंचाएंगे। आरओ का पानी तो नहीं पहुंचा पाए, दिल्ली के पानी को और भी जहरीला बना दिए और जहरीला बना करके स्वयं तो खांसते ही थे, दिल्ली वासियों को भी खांसने के लिए मजबूर कर दिए। भाइयों बहनों, ये कैसी राजनीति जो देश की कीमत पर हो रही हो, एक कैसी राजनीति है जो देश की कीमत पर हो रही हो। ये शाहीन बाग का जाम, ये निजामुद्दीन का धरना, ये भाइयों बहनों देश के हित में नहीं है। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही कि महज संजोग नहीं, ये एक प्रयोग है देश के वातावरण को दूषित करने के लिए, देश के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, देश के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा है। और ये साजिश अचानक नहीं है,
श्रीमान केजरीवाल जी को इस बात की चिढ़ है कि 5 साल में मोदी जी ने तो करके दिखा दिया, लेकिन इनकी सरकार कुछ नहीं कर पाई सिवाय हर मुद्दे पर धरने के लिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप निर्णय लेंगे या धरना देंगे, लेकिन हर मामले में धरना देना, कभी रेल भवन पर और कभी यहां के उपराज्यपाल के घर पर, और वहां धरना देकर के सारा कामकाज ठप कर देना। 5 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपको बता दें डिफेंस एक्सपो के दौरान लखनऊ में रहेंगे रक्षा मंत्री। डिफेंस एक्सपो 2020 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गांधी प्रतिष्ठान में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। कल पीएम मोदी करेंगे डिफेंस एक्सपो 2020 का आगाज। 5 फरवरी से 9 फरवरी तक लखनऊ में चलेगा डिफेंस एक्सपो। तो थोड़ी ही देर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल प्रधानमंत्री मोदी डिफेंस एक्सपो 2020 का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा मौका माना जा रहा है। 5 फरवरी से 9 फरवरी तक लखनऊ में चलेगा डिफेंस एक्सपो। सभी सेनाएं अपना पराक्रम दिखाती हुई यहां पर नजर आएंगी। एक बार फिर से पूरा विश्व देखेगा डिफेंस एक्सपो 2020 को लेकर। कुछ ही देर में प्रेस वार्ता भी करेंगे रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के तमाम कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद, हर कोई इस एक्सपो का हिस्सा होगा। तमाम कैबिनेट मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री लगातार दौरे पर रहेंगे। कल पीएम मोदी इसका डिफेंस एक्सपो का आगाज करने वाले हैं। इतने दिनों से कर्तव्य की प्रैक्टिस भी यहां लगातार जारी है। 5 दिवसीय ये दौरा रहेगा रक्षा मंत्री का। डिफेंस एक्सपो के दौरान लखनऊ में ही रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डिफेंस एक्सपो 2020 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थोड़ी देर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया जाएगा। तो डिफेंस एक्सपो अब तक का सबसे बड़ा एक्सपो यह माना जा रहा है, जिसकी मेजबानी यहां जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश करने वाला है। और यूपी के लिए कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा मौका माना जा रहा है कि यूपी में डिफेंस एक्सपो की शुरुआत होने वाली है। डिफेंस एक्सपो की मुकम्मल तैयारियां हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक और इतिहास रचने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी 5 फरवरी को डिफेंस एक्सपो का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 1:20 पर पीएम मोदी लखनऊ पहुंच जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होंगे शामिल। गवर्नर आनंदीबेन पटेल एक्सपो में होंगी शामिल। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम एक्सपो में करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। यूपी समेत देश भर के सांसद और विधायक करेंगे शिरकत। कई देशों के रक्षा मंत्री, राजनयिक, राजदूत, रक्षा विशेषज्ञ करेंगे शिरकत। यूपी में डिफेंस एक्सपो होने से निवेश के कई रास्ते खुलेंगे। डिफेंस एक्सपो के जरिए यूपी में रक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश आने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिफेंस इंडिया एक्सपो में दुनिया भर से रक्षा उत्पादन से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भारत में संभावनाएं तलाशने आ रहे हैं, जिसके लिए यूपी अपना शोकेस सजाकर तैयार है। औद्योगिक नीति में बदलाव सहित अब तक की गई तैयारियों के आधार पर योगी सरकार की नजर 20,000 करोड़ रुपए के निवेश पर है। डिफेंस इंडिया एक्सपो का रक्षा मंत्रालय में अब तक मिली स्वीकृतियों के आधार पर कार्यक्रम तय कर लिया है।
5 से 9 फरवरी तक लखनऊ में भव्य डिफेंस एक्सपो। भारत के सैन्य और सामरिक शक्ति का होगा प्रदर्शन। वायुसेना और नेवी के साथ साथ थल सेना के हथियारों का होगा प्रदर्शन। राजधानी लखनऊ के आसमान में गरजेगा राफेल। 1000 किलोमीटर मारक क्षमता की स्वदेशी मिसाइल निर्भय की भी होगी तैनाती। K9 टैंक, LCA तेजस, F-21 फाइटर, HAL रुद्र भी होंगे तैनात। हैदराबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार प्रोटेक्टर MPV भी होगा शामिल। बोफोर्स, भीष्म, अर्जुन, धनुष जैसे बेहतरीन टैंक होंगे तैनात। डिफेंस एक्सपो 2020 में दिखेंगी अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक। अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन समेत कई देशों की रक्षा कंपनियां होंगी शामिल। 1000 से ज्यादा देश और विदेश की भी सुरक्षा कंपनियां लेंगी हिस्सा। डिफेंस इंडिया एक्सपो में 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा और हर स्तर पर पूरी सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदर्शनी में 857 भारतीय जबकि 172 विदेशी कंपनियां शामिल हो रही हैं। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया होगा शामिल। ब्राजील, बुल्गारिया, फ्रांस, जर्मनी होगा शामिल। आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान भी होगा शामिल। कजाकिस्तान, कोरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, रूस होगा शामिल। सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन होगा शामिल। स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, यूएई होगा शामिल। विदेशी देशों के शामिल होने से कई तरह की संभावनाएं उत्पन्न होगी, जिससे भारत में भारी निवेश की संभावना जताई जा रही है। एविएशन और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास। इंडिया फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्री। भारत और इजराइल में रक्षा क्षेत्र में संभावनाएं। यूएस डिफेंस इंडस्ट्री और मेक इन इंडिया। उत्तर भारत का डिफेंस कॉरिडोर, वैश्विक निवेश की संभावना। इंडिया कोरिया डिफेंस इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन इस बार लखनऊ में कराया जा रहा है। मैं इस समय मौजूद हूं रिवर फ्रंट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि सेना के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद होकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कराया जा रहा है। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए गर्व की बात है कि सेना की जो पराक्रम है, जो उनकी सौर शक्ति है, वो इस बार राजधानी वासी बिल्कुल नज़दीक से देख सकेंगे। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश में इस आयोजन की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो डिफेंस एक्सपो का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, उसमें रक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में तमाम निवेश आने की संभावना भी है। वहीं आपको हम गोमती भी दिखाना चाहेंगे कि गोमती को भी पूरी तरीके से स्वच्छ और साफ किया गया है, क्योंकि नौसेना इसमें अपने कर्तव्य दिखाएगी। नौसेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लगातार यहाँ से वो अपने जहाज़ों को भी उड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जब इसका आयोजन कराया जा रहा है, 11वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन हो रहा है, जो कि 200 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन पर इसका आयोजन किया जा रहा है, अगर हम पूरे आयोजन की बात करें तो करीब 113 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इस आयोजन पर खर्च हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ मैं नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां कार्यकारी DGP हितेश चंद्र अवस्थी का आदेश, शिष्टाचार भेंट करने के लिए लखनऊ नहीं आए पुलिस अफसर। लखनऊ मुख्यालय के बाहर तैनात अफसरों को आदेश दिया गया, विशेष परिस्थितियों में समय लेकर ही DGP से वो मुलाकात कर सकते हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, कार्यकारी DGP हितेश चंद्र अवस्थी का ये आदेश यहां पर सामने आया, शिष्टाचार भेंट करने के लिए लखनऊ नहीं आए पुलिस अफसर। लखनऊ मुख्यालय के बाहर तैनात अफसरों को ये आदेश साफ तौर पर जारी कर दिया गया है, विशेष परिस्थितियों में समय लेकर ही DGP से वो मुलाकात कर सकते हैं।
खबर जौनपुर से, जाशागंज तहसील क्षेत्र में पावर हाउस के, आपको बता दें 32,000 खंभे पर 24 साल की युवती चढ़ गए। विद्युत विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर युवती को नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि युवती मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अबे वो तो पगली है का। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।